राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल 2023 का एक रोमांचक और करीबी मुकाबला खेला गया। इस करीबी मुकाबले में किंग्स की टीम ने रॉयल्स को 5 रनों से हराया। पंजाब किंग्स की आईपीएल 2023 की ये दूसरी जीत रही। टीम ने इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में भी एक छलांग लगाई और टीम अब दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। बता दें कि पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी इस मुकाबले में की और 197 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए। 4 विकेट के नुकसान पर टीम ने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। टीम के लिए ओपनिंग बल्लेबाज प्रभ सिमरन सिंह, शिखर धवन की एक अर्धशतकीय पारियां और एक मजबूत साझेदारी देखने को मिली। अंत में टीम के लिए तमाम बल्लेबाजों ने रन बनाए और टीम एक बड़े स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स की टीम जब टारगेट का पीछा करने उतरी, टीम की शुरुआत काफ़ी ख़राब रही। हालांकि टीम के लिए निचले क्रम के बल्लेबाजों ने रन जरूर बनाए, लेकिन टीम जीत तक नहीं पहुंच पाई। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो टीम 192 रन ही बना सकी और टीम ने इस दौरान अपने 7 विकेट भी खो दिए। पंजाब किंग्स के लिए इस मुकाबले में गेंदबाजी की कमान नेथन एलिस ने संभाली। नेथन एलिस की बात करें तो उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटकाए। अपने स्पेल में नेथन एलिस ने केवल 30 रन खर्च किए और 7.5 की इकोनॉमी के साथ उन्होंने 4 विकेट चटकाए। सबसे पहले नेथन एलिस ने जिस खिलाड़ी को अपना शिकार बनाया वो रहे राजस्थान रॉयल्स के सबसे स्टार खिलाड़ी जॉस बटलर। साल 2022 के ऑरेंज कैप विजेता जॉस बटलर को नेथन एलिस ने कॉटन बोल्ड किया। जॉस बटलर इस दौरान केवल 19 रन ही बना सके और पवेलियन वापस लौट गए। ऐसे में पंजाब के लिए बड़ा विकेट रहा। इसके बाद नेथन एलिस ने राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन का विकेट चटकाया। संजू एक अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे। इसी दौरान नेथन एलिस ने गेंदबाजी से अपना शिकार संजू को बनाया। वहीं एलिस ने इसके बाद राजस्थान रॉयल्स के युवा क्रिकेटर देवदत्त पडिक्कल का विकेट चटकाया और अंत में रियान पराग को आउट करके अपनी टीम की जीत को सुनिश्चित किया। नेथन एलिस की ये गेंदबाजी पंजाब किंग्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही। साथ ही उन्होंने 4 बड़े विकेट चटकाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। इसके अलावा सैम करन की भी गेंदबाजी कमाल की रही। आखिरी ओवर में सैम करन ने शानदार गेंदबाजी की। राजस्थान को आखिरी ओवर में 16 रनों की ज़रूरत थी। सैम करन ने गेंदबाजी कमाल संभाली और अपनी टीम के लिए जीत को सुनिश्चित किया। आखिरी ओवर में सैम करन की एक शानदार गेंदबाजी पंजाब किंग्स की जीत के लिए एक अहम भूमिका निभाने वाली गेंदबाजी बनी। बता दें कि पंजाब किंग्स ने साल 2023 के मिनी ऑक्शन में सैम करन पर दाव लगाया और सैम करन को आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर अपनी टीम में शामिल किया। सैम करन की ये गेंदबाजी पंजाब किंग्स के लिए कहीं ना कहीं राहत भरी रही। पंजाब किंग्स इस वक्त पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर है और टीम ने लगातार 2 जीत हासिल कर ली है। बहरहाल आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।